Hello trainers and welcome to my YouTube channel. So guys, welcome to another video of Pokemon Unite. So guys, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 डिफेंडर्स, ठीक है। अब मैं टॉप 5 डिफेंडर्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो रैंक है हमारा रीसेट होने वाला, ठीक है। और एक टीम में बस अटैकर की जरूरत नहीं पड़ती, डिफेंडर भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं ये जो डिफेंडर बताने वाला टॉप 5, ठीक है गाइस, ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत सारे यूट्यूबर से बात की है, उसके बाद ही ये लिस्ट निकाली, ठीक है। बाकी आप देख लेना कौन कौन से इसमें डिफेंडर रहेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। गाइस आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पोकेमोन है जिसके यूनाइट मूव का डैमेज सबसे ज़्यादा है पोकेमोन यूनाइट में, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से पोकेमोन के यूनाइट मूव का डैमेज जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको आंसर मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं बता देता हूँ, नंबर वन पे हमारे जो डिफेंडर आता है, ठीक है, वो मोस्ट पॉपुलर डिफेंडर है और सबसे पुराना डिफेंडर भी है गाइस। मैं बात कर रहा हूँ स्नोरलैक्स की, ठीक है। नंबर वन में वही आता है गाइस, सबसे बेस्ट डिफेंडर अभी फिलहाल वही चलता है, ठीक है। अब कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लो, प्रीवियस वाले या इसे टूर्नामेंट, स्नोरलैक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाइस, ठीक है। स्नोरलैक्स क्यों यूज़ होता है मैं भी बता देता हूँ, उसका बिल्ड तो मैंने दिखाई दिया आपको, वो यूज़ होता है उसकी शील्ड की वजह से, ठीक है। उसका जो शील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टन करता है, पूरे गेम में सबसे ज़्यादा स्टन किसी मूव का है तो उसकी शील्ड का ही है स्नोरलैक्स की, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टन किसी मूव का नहीं है। और गाइस का यूनाइट मूव भी एक बहुत अच्छा मतलब शील्ड प्रोवाइड करता है अपने टीममेट्स को, ठीक है, बॉडी बैरियर वगैरह लगाओगे तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस है, ठीक है। बाकी तो उसका हैवी स्लैम भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। और गाइस स्नोरलैक्स में बहुत सारे बिल्ड लगते हैं, ठीक है, एक बिल्ड नहीं लगता, उसके बहुत सारे बिल्ड है। मैंने तो आपको एक बहुत कॉमन बिल्ड दिखा दिया, बहुत सारे बिल्ड है, तो बाकी बिल्ड मैं आपको कमेंट में दिखा दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं हमारे बाकी सेकंड नंबर पे जो डिफेंडर आते हैं, ठीक है। वो गाइस एक्चुअली दो डिफेंडर है और ये डिफेंडर होते हैं गाइस फेमस उसके लिए, स्टन के लिए, ठीक है। स्टन समझ रहे ना, मतलब एनिमी को स्टन करना, आपको उनको मतलब उनका सर घुमा देना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस मैमोसवाइन की, ठीक है। मैमोसवाइन वन ऑफ द मोस्ट अभी पॉपुलर चल रहा है, ठीक है, बहुत ट्रेंडी डिफेंडर चल रहा है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ गाइस आता है ब्लास्टोइस, ठीक है। अब मैं दोनों के यूजेस बता देता हूँ। मैमोसवाइन आपको तब ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके क्लोज रेंज वाले पोकेमॉन थोड़े ज़्यादा हो सामने एनिमी टीम में, ठीक है। तब मैमोसवाइन बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, ठीक है। आप उनके साथ मतलब आपके साथ कोई लॉन्ग रेंज वाला हो और आप मैमोसवाइन लो तो बढ़िया रहता है, ठीक है। और ब्लास्टोइस तब यूज़ कर सकते हैं जब सामने लॉन्ग रेंज वाले ज़्यादा हो, तो ब्लास्टोइस भी एक लॉन्ग रेंज पोकेमॉन है तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोनों के मूव ही स्टन करते हैं, दोनों का यूनाइट स्टन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड नंबर वाले पोकेमॉन पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे गाइस हमारे इसमें भी दो ही पोकेमॉन आते हैं, ठीक है। अब गाइस आपको ऐसा पोकेमॉन चाहिए जो आपको सेल्फ हील करे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डैमेज अब्सॉर्ब कर सके सामने वालों को, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस स्लोब्रो की, ठीक है, स्लोब्रो और ट्रेवनेंट। अब इन दोनों के भी अलग अलग यूजेस है, ठीक है, बता देता हूँ आपको गाइस। स्लोब्रो गाइस तब यूज़ होता है जब सामने लॉन्ग रेंज हो, ठीक है, वही सामने सेम जो लॉन्ग रेंज वाले एनिमी भी ज़्यादा होंगे तब आप स्लोब्रो यूज़ करो, ठीक है। इसका जो एमनीशिया और स्कार्ड है वो यूज़ करो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बिल्ड वगैरह सबको दिखा दे रहा हूँ, तब आपको स्लोब्रो को यूज़ करना है जो लॉन्ग रेंज वाले हो। इसका स्कार्ड यूज़ करो, बहुत ज़्यादा डैमेज है, अटैकर को तो दो स्कार्ड में ले लेगा वो, ठीक है, डिफेंस तो बिल्कुल नल कर देता है, यूज़ कर सकते हो। और गाइस ट्रेवनेंट तब यूज़ करते हैं जब सामने क्लोज रेंज वाले ज़्यादा हो, ठीक है, आप इसका ये मूवी यूज़ करो और जल्दी से मतलब हील हो जाओ, मतलब इसके हील जो है वो स्लोब्रो से ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको उन दोनों का बता दिया है, दोनों ही लेन में बहुत अच्छा इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से एकदम क्या बोलूँ मैं, फोर्थ लेवल से दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। ट्रेवनेंट को 5 लेवल चाहिए वैसे, ठीक है, बाकी देख लो आपके हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है। अब गाइस हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन पे, और ना गाइस नेक्स्ट में दो ही डिफेंडर बचे हैं, बता दे रहा मैं, एक ग्रीडेंट बचा है और क्रिस्टल बचा है, ठीक है। वैसे तो गाइस क्रिस्टल अभी मतलब फिलहाल थोड़ा सा डाउनग्रेड चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब उसको ज़्यादा कोई यूज़ कर नहीं रहा, ऊपर से गाइस मतलब उसका मतलब उससे ज़्यादा अच्छे डिफेंडर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप लेकिन गाइस ग्रीडेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्रीडेंट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो मैं बता दे रहा हूँ। ग्रीडेंट आप एनिमी के जंगल में इन्वेट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब उनके जंगलर को लेवल मत होने दो, अब उनके सारे बफ चुरा लो जंगल के, ऐसे करके आप अपने लेन वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज में लग सकते हो, उनका लेवल कम कर रख के, ठीक है। ऐसे आप ग्रेनेड यूज़ कर सकते हैं, ग्रेनेड का डैमेज भी है बहुत, बुलेट सीड वगैरह का, ठीक है। बाकी आप देख लो, मैंने आपको सारे डिफेंडर बता दिए, वैसे तो 5 से ज़्यादा ही बता दिया गाइस, ठीक है, लेकिन मैंने आपको मतलब फुल रिसर्च करके बताया कौन सा डिफेंडर कैसा है, तो आपका जो अभी नया रैंक आने वाला है आप उसमें यूज़ करो बिल्कुल, क्योंकि गाइस पूरे अटैकर की टीम या पूरे ऑलराउंडर या स्पीडस्टर की टीम कभी नहीं जीत सकती, ठीक है गाइस, गलती से एक दो मैच ही जीत सकते हैं इसे, तो आपको डिफेंडर लेना ही पड़ेगा अगर आपकी टीम में ज़्यादा अटैकर है, ठीक है। और गाइस मैं बता दे रहा, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं उसका आंसर बता दे रहा, ठीक है। अगर आपने गैस सही किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपको इस गेम के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है।
नहीं पता है तो मैं बता दे रहा गाइस, वो है DCDY, ठीक है। DCDY का जो यूनाइट जिसका नाम है नॉक नॉक, उसका डैमेज सबसे ज़्यादा है गाइस, वो 15,900 समथिंग है, ठीक है। इतना तो मतलब किसी 15 लेवल के पोकेमॉन का भी इतना HP नहीं होता, ठीक है। तो गाइस समझ जाओ कितना ज़्यादा डैमेज है उसका, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी